हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आकांक्षा। आज के वीडियो में एक फेस वॉश के बारे में आपको बताने वाली हूँ। मेडिकेटेड फेस वॉश है, तो मैं जब भी फेस वॉश के बारे में बताती हूँ तो कभी ऑयली स्किन वालों को यूज़ करना चाहिए, कभी सेंसिटिव स्किन वालों को यूज़ करना चाहिए ये बताती हूँ, कभी बोलती हूँ कि ड्राई स्किन वाले इसको यूज़ ना करें, ये स्किन टाइप वाले यूज़ करें। तो पर आज जिस फेस वॉश के बारे में बताने वाली हूँ उसमें मैं कहूँगी कि सारे स्किन टाइप्स वाले इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सारे स्किन टाइप्स वालों को सूट करता है। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक दो प्रॉब्लम्स पे काम करे कि आपके पिंपल को दूर करेगा या आपके दाग धब्बों को दूर करेगा, पिगमेंटेशन को दूर करेगा, ये मल्टीपल स्किन प्रॉब्लम्स पे काम करता है। बहुत सारे डर्मेटोलॉजिस्ट इसको रेकमेंड करते हैं, काफ़ी पॉपुलर सा फेस वॉश है, पर मैंने कभी यूज़ नहीं किया था, इसके बारे में बहुत सुना था। तो आजकल मैं इसको यूज़ कर रही हूँ तो मैंने सोचा इसका रिव्यू करना चाहिए। जो फेस वॉश है वो है ये है आहा ग्लो फेस वॉश। इसकी ख़ास बात यह है कि इसमें ग्लाइकोलिक एसिड है। जो ग्लाइकोलिक एसिड होता है वो स्किन पर बहुत अच्छे से काम करता है, स्किन की अपर लेयर पे बहुत अच्छे से काम करता है और डेड स्किन सेल्स को रिमूव करता है। क्लॉक पोर्स का प्रॉब्लम है तो उनको अनक्लॉक करने का काम करता है, स्किन को ग्लोइंग बनाता है, स्किन को हेल्दी बनाने का काम करता है। इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करूँ तो बड़े अच्छे अच्छी चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। तो अगर आप इस फेस वॉश के बारे में जानना चाहते हैं या फिर आप कोई फेस वॉश देख रहे हो जो आपकी मल्टीपल प्रॉब्लम्स पर काम करे और अच्छा हो, अफोर्डेबल हो, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। फेस वॉश 3 साइज़ में अवेलेबल है। ये 50 ग्राम का पैक है और 150 ग्राम का, 100 ग्राम का पैक भी आता है। इसके प्राइस की बात करूँ 278 रुपीज़ इसका प्राइस है। और ऑफलाइन भी कहीं भी आप किसी भी मेडिकल शॉप से इसको ले सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी आप इसको ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं। ये इसकी जेल कंसिस्टेंसी है और जेल कंसिस्टेंसी होने के कारण ऑयली स्किन पर भी अच्छे से काम करता है, और इसमें विटामिन ई है तो ये ड्राई स्किन पर भी बहुत अच्छे से काम करता है। और इसमें छोटे छोटे से पार्टिकल्स हैं, आप शायद देख सकते हो छोटे छोटे से पार्टिकल्स हैं, तो वो भी आपकी स्किन को ना थोड़ा सा स्क्रबिंग का, इतना मतलब माइल्ड स्क्रबिंग का काम करते हैं। डेड स्किन को रिमूव करने में ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। आहा ग्लो एडवांस्ड फेस वॉश जेल आपकी स्किन को रेजुविनेट करने का काम करती है, स्किन को प्यूरीफाई करेगी, रिफ्रेश लुक देगी और डर्ट, पॉल्यूशन, डेड स्किन सेल्स जो हो जाती है उसको रिमूव करने में हेल्प करती है। क्लॉक पोर्स जो होते हैं उनको अनक्लॉक करने का काम करती है, जैसे कि आपको ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, एक्ने फ्री बनाती है आपकी स्किन को। इसके साथ ही रिंकल्स को कम करने में हेल्प करती है, स्किन टोन को इम्प्रूव करती है, स्किन का टेक्सचर इम्प्रूव करने में ये जो फेस वॉश जेल है बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इस फेस वॉश के की कॉम्पोजिशन की बात करूँ तो इसमें एलोवेरा है। एलोवेरा में कूलिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है और नेचुरल रेमेडी है सनबर्न को, बर्नड स्किन को ठीक करने में। इसके साथ इसमें सोडियम कोकिल एप्पल अमीनो एसिड यूज़ किया गया है जो कि स्किन को कंडीशनिंग का काम करता है, हाइड्रेशन प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, माइल्ड एक्सफोलिएशन का ये काम करता है, डेड स्किन सेल्स को रिमूव करने में हेल्प करता है। ग्लाइकोलिक एसिड इसमें यूज़ किया गया है। ग्लाइकोलिक एसिड स्किन रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने में हेल्प करता है, स्किन पर डीपली पेनिट्रेट होता है और ये भी माइल्ड एक्सफोलिएशन का काम करता है, जिससे कि आपकी स्किन से जो भी डर्ट है वो एक्सेस ऑयल हो जाता है उसकी प्रॉब्लम को दूर करता है। कोलेजन को बूस्ट करता है, जिससे कि आपकी स्किन ना बहुत ज़्यादा स्किन टेक्सचर इम्प्रूव होता है, स्किन रेजुविनेट होती है और न्यू स्किन सेल्स को प्रमोट करने का काम करता है। इसमें विटामिन ई एसीटेट यूज़ किया गया है, जो कि विटामिन ई बहुत इसमें बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि फ्री रेडिकल से आपके स्किन को प्रोटेक्ट करती है, फ्री रेडिकल से जो भी डैमेज हो जाते हैं उससे आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करती है, हाइड्रेशन प्रोवाइड करती है, मॉइस्चर प्रोवाइड करती है, स्किन को सॉफ्ट बनाती है। तो ये सारे काम ये फेस वॉश करता है। फेस वॉश को आप दिन में 2 बार ज़रूर यूज़ करें और सफिशिएंट अमाउंट, जितना आपके फेस के लिए ज़रूरी है उतना अमाउंट ले लीजिए। बहुत अच्छे से फोम करता है और आप इसको अच्छे से सर्कुलर मोशन में थोड़ा सा जेंटल मसाज कीजिए और फिर पानी से वॉश कर दीजिए और इसको
यूज़ करने के बाद, जैसे मैं यूज़ करती हूँ तो मुझे कोई ड्राइनेस वगैरह नहीं होती है, फिर भी मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो फेस वॉश है आपके स्किन रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स को दूर सच में करता है। एक दो दिन में पता नहीं चलेगा, पर आप इसको रेगुलर 15-20 दिनों तक यूज़ करेंगे तो आपको पिंपल को कम करने में हेल्प करेगा, पिगमेंटेशन दाग धब्बों को कम करने में हेल्प करेगा, आपकी स्किन में एक नई जान सी आ जाएगी। ये सच में बहुत अच्छे से काम करता है। और बहुत दिनों बाद मुझे कोई ऐसा फेस वॉश मिला जिसको कि मैं लंबे टाइम तक यूज़ करना चाहूँगी, मतलब एक पैक ख़त्म भी हो जाए तो फिर मैं इसको दोबारा ज़रूर यूज़ करना चाहूँगी, क्योंकि ये इतने अच्छे से काम करता है। और इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करूँ तो मुझे कोई इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं दिखे। वैसे इसमें कहीं मेंशन नहीं है कि ये एक्ने प्रोन स्किन पे अच्छे से काम करेगा या नहीं, स्पेशली कहीं भी मेंशन इसमें नहीं है, पर मेरी एक्ने प्रोन स्किन है, ऑयली स्किन है, बहुत अच्छे से ऑयली स्किन पे, एक्ने प्रोन स्किन पे काम करता है। इसके साथ ही ड्राई स्किन पे बहुत अच्छे से काम करता है। ड्राई स्किन वालों की स्किन और ज़्यादा ड्राई नहीं करेगा, स्किन को ग्लोइंग बनाएगा, रिजुविनेट करेगा और स्किन को हेल्दी बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो अगर आप बहुत सारे फेस वॉश यूज़ कर करके परेशान हो गए, कोई आपको असर नहीं कर रहा है और किसी के भी अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो मैं कहूँगी इस फेस वॉश को ज़रूर एक बार यूज़ करके देखो। क्योंकि इस फेस वॉश के बारे में मैंने भी पहले बहुत सुना हुआ था, पर इसको यूज़ करके देखा तो सच में इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मुझे मिले। और इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करूँ तो ऐसे इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, पर अगर आपको इन्फेक्शन वगैरह, स्किन पर कोई एलर्जी है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तब आप इसको बिल्कुल यूज़ ना करें। नहीं तो कोई भी स्किन टाइप वाले इसको बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों इसको यूज़ कर सकते हैं और किसी भी एज वाले लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल आप इसको एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना और जैसे भी रिजल्ट्स मिले मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरी स्किन पे इसने बहुत अच्छे से काम किया, पर वही मैं फिर से कहूँगी कि सिर्फ फेस वॉश के भरोसे नहीं रहना, आपका जो स्किन केयर और भी चीज़ें आप लगाते हो वो भी अच्छा होना चाहिए। अगर वो सारी चीज़ें अच्छी हैं तब ये कमाल का काम करेगा, सच में बहुत अच्छे से काम करेगा। बिल्कुल एक बार इसको ट्राई करके ज़रूर देखना। और आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।